हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न टेक टेक्निकल चैनल। दोस्तों, नोटपैड प्लस प्लस में ये मेनू अगर आपके नोटपैड प्लस प्लस में नहीं आ रहा है, लंच इन क्रोम, लंच इन फायरफॉक्स, लंच इन इंटरनेट एक्सप्लोरर रन में ये मेनू, ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको आप बना सकते हैं, कैसे ये मेनू को आप ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड आपके प्रोग्रामर दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कीजिए तो मेरा अगला टेक्निकल ट्रिक का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मेरे चैनल में जो नए हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे ये मेनू क्या काम करता है। आप नोटपैड प्लस प्लस में कोई एचटीएमएल या सीएसएस का या जावास्क्रिप्ट का कोड कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग करने के बाद आपको ब्राउज़र में जाके वो फाइल को ओपन करके उसको रन करना पड़ता है, या जो एचटीएमएल फाइल क्रिएट होता है वहाँ पे जाके डबल क्लिक करके आपको ओपन करना पड़ता है। तो नोटपैड प्लस प्लस में एक ऑप्शन पहले दिया करता था, रन में जाके कोई भी एचटीएमएल फाइल को आप डायरेक्टली रन कर सकते थे, लंच इन क्रोम, लंच इन फायरफॉक्स, लंच इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाके। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक एचटीएमएल का कोडिंग है, एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म है जो सीएसएस और एचटीएमएल का कोडिंग से किया हुआ है। इसको मैं रन में जाके लंच इन क्रोम करता हूँ। लंच इन क्रोम करते ही क्रोम खुल गया, डायरेक्टली क्रोम खुल गया और यहाँ पे वो कोड रन हो गया। वैसे ही यहाँ पे रन में जाके लंच इन फायरफॉक्स करूँगा तो फायरफॉक्स खुल जाएगा और वो कोड आपको दिखाई देगा। ये देखिए, वैसे ही यहाँ पे और एक ऑप्शन है लंच इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जाके अगर मैं लंच करूँगा तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके रन होगा। अब देख सकते हैं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें जाके रन होगा। तो लेटेस्ट जो नोटपैड प्लस प्लस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। यहां पे आपको मेरा नोटपैड प्लस प्लस का वर्जन दिखा देता हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा नोटपैड प्लस प्लस का वर्जन है 7.8.6। अगर लेटेस्ट नोटपैड प्लस प्लस अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये मेनू नहीं मिलेगा, ये मेनू को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे ये मेनू क्रिएट किया जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। पहले तो जो मेनू हम क्रिएट किए थे उसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वो मेनू नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे ही नोटपैड प्लस प्लस मिलेगा जिसमें वो मेनू नहीं दिखाई देगा। तो इस मेनू को कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लीजिए। आपको पहले रन में जाना होगा, रन में जाके रन बोल के एक ऑप्शन है उसमें जाना होगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन है द प्रोग्राम टू रन, यहाँ पे एक जगह है कुछ लिखने का और बगल में ब्राउजिंग का ऑप्शन है। तो ये जो HTML फाइल है, ये जो HTML फाइल है, ये फाइल को आप कौन सी प्रोग्राम से रन करना चाहते हैं उसको दिखाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउज करके मैं क्रोम को दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम में जाके प्रोग्राम फाइल में सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल। गूगल के अंदर में क्रोम बोल के एक फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन कीजिए,
फोल्डर के अंदर में एप्लीकेशन बोल के एक फोल्डर है, वहां पे क्रोम का exe फाइल आपको मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा पाथ यहाँ पे आ गया। अभी ये पाथ में जाके एक स्पेस देना है, और जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ या कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का, सिर्फ वो वाला कोड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरा पाथ के बाद एक स्पेस देना है, डोंट फॉरगेट टू स्पेस। यहाँ पे स्पेस देने के बाद ये कोड को डालना होगा। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये क्रोम का पाथ है, पाथ के बाद आपको एक स्पेस देना है, कोटेशन के बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद ये जो कोड है इस कोड को पूरा लिख देना है कोटेशन समेत। अब इसको नॉर्मल कर देता हूं। अभी इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब यहां पे कुछ भी नाम देख सकते हैं। मैं यहां पे देता हूं लॉन्च इन क्रोम। ओके कर दे रहा हूं। अभी इसको कैंसिल कर दीजिए, सेव हो गया। अभी देखिए रन में जाके यहाँ पे लॉन्च इन क्रोम आ गया। अगर कोई भी HTML फाइल को आप फायरफॉक्स से या इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी चलाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। ये एक बार ही क्रिएट करना होगा, ये बार बार ये एक बार ही क्रिएट करना होगा, ये बार बार कोई HTML फाइल क्रिएट करने के समय इसको क्रिएट करना नहीं होगा, ये एक बार ही क्रिएट करना होगा आपको। तो रन में जाके मैं फायरफॉक्स के लिए भी एक बना लेता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे फायरफॉक्स का ब्राउज करके फायरफॉक्स का exe को सर्च करना होगा। तो सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल में जाके मोजिला फायरफॉक्स में जाके यहाँ पे फायरफॉक्स का exe है, इसको ओपन कर देता हूँ। और क्रोम में जैसा किया था पूरा पाथ के बाद एक स्पेस देना है, स्पेस देके ये कोड आपको डाल देना है और यहाँ पे सेव कीजिए। सेव करने के टाइम में नाम दीजिए, आप नॉर्मल फायरफॉक्स भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लॉन्च इन फायरफॉक्स दे रहा हूँ। ओके कर दे रहा हूँ, इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये सेव हो गया लॉन्च इन फायरफॉक्स। वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बना लेता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल में, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेगा। अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ पे लिखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक फोल्डर है, वहाँ पे जाके आई एक्सप्लोरर इसको ओपन कीजिए। आई एक्सप्लोरर जो exe है वही इंटरनेट एक्सप्लोरर का exe होगा। तो उस वो भी कोटेशन के बाद वो कोड आपको डालना होगा। डालने के बाद सेव कीजिए। यहाँ पे लिखिए लंच इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको सेव कर दीजिए, कैंसिल कीजिए। देखिए ये तीनों मेनू आ गया। अभी ये जो कोडिंग है इस कोडिंग को मैं किसी भी ब्राउजर से डायरेक्टली यहाँ पे रन कर देता हूँ, रन कर पाऊंगा। तो लॉन्च इन क्रोम करते हैं। ये देखिए क्रोम में खुल गया, ये मेरा लॉगिन फॉर्म। लॉन्च इन फायरफॉक्स करते हैं, तो ये देखिए फायरफॉक्स में मेरा लॉगिन फॉर्म खुल गया। लॉन्च इन इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, तो ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में मेरा वो कोड रन हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये मेनू को कैसे आप बना सकते हैं।
अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा टेक्निकल ट्रिक का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। It's caught in the crossfire.